हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम आ चुके हैं आप लोगों के लिए एक बसेट की न्यू अपडेट लेकर, जो कि है रमदान इवेंट के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि हर साल बसेट में एक रमदान इवेंट आता है, जो कि इसी टाइम आता है। तो अभी 2-3 दिन पहले ही रमदान इवेंट जो है बसेट के अंदर आया है, तो मैं आप लोगों को उसके अपडेट के बारे में बता दूँ। आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं, जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सभी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को रमदान इवेंट के बारे में बता दूं कि यह जो इवेंट है वो 2-3 दिन पहले स्टार्ट हो चुका है। मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने में जो है कि लेट हो चुका हूँ, तो आप लोगों को जो है मैप में कहीं ना कहीं बस को यहाँ पर ड्राइव करेंगे, तो आप लोगों को जगह जगह पर जो है कि पंडाल, मतलब जो कहते हैं एक टाइप से झोपड़ी टाइप की मिल जाएगी, और जो स्टॉल होते हैं वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी हम उसी साइड चलते हैं और आप लोगों को एक एक करके जो है जो नए अपडेट आए हैं उसके बारे में भी बता देते हैं। तो अभी हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और जो यहाँ पर मतलब अभी ये जो इवेंट है वो कम से कम अभी 1 महीने चलेगा। अभी 2-3 दिन पहले स्टार्ट हुआ है, और यह जो इवेंट है पूरे जो अप्रैल का महीना है उस तक रहेगा। और यह अपडेट ऐसा है कि आप लोगों को बसेट को जो है कोई प्ले स्टोर से अपडेट नहीं करना है। यह जो अपडेट है वो आपने आप ही आपके गेम के अंदर जो है ऐड हो जाएगा, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है। और देखते हैं, अभी हम आगे चलते हैं, और जो इसमें स्टॉल या दुकान जो अभी ऐड होते हैं, पंडाल अंडाल वगैरह, वो हम आप लोगों को एक एक करके दिखाएँगे, जो कि हर एक रूट पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले चलते हैं और आप लोगों को एक जो छोटी सी दुकान है उसे दिखाते हैं। तो वहां पर हम पहुंच चुके हैं, ये देख सकते हैं यहां पर एक जो नई दुकान है वो ऐड की गई है फुटपाथ पर। तो अभी मैं आप लोगों को नीचे उतर के दिखा रहा हूं, तो रुकिए एक मिनट, ये देखिए आप लोगों को यहाँ पर एक ऐसे मतलब बहुत सारी छोटी छोटी जो दुकान है वो आप लोगों को देखने के मिल जाएंगी। ये देख सकते हैं इस पर जो थे फ्रूट्स रखे हुए थे। अभी हम आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि और क्या है आगे। और यह आपको ऐसा नहीं है कि किसी एक ही रूट में देखने को मिले, आप पूरे मैप में यह इन्हें कहीं भी देख सकते हैं। और एक और अपडेट के बारे में बता दूं कि आप लोगों को बाइक पर बैठे हुए भी मिल जाएंगे, और वो गिफ्ट लेकर बैठे हुए होंगे, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को स्क्रीनशॉट में दिखाया था। तो देख सकते हैं, अभी हम और आगे चलते हैं और ये देख सकते हैं यहाँ पर भी एक थोड़ा सा फुटपाथ के पीछे जो था एक और दुकान है। और अभी हम आएंगे की ओर चलेंगे और पंडाल भी दिखाएंगे। तो अभी मैं फिर से आप लोगों को उतर के दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो है शायद कपड़े की जो और फूड्स की वो है स्टॉल लगी हो रखी है। ये अभी मतलब मैं ज़्यादा बढ़िया तरीके से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो ये देख सकते हैं आप जो कि बढ़िया तरीके से। तब ये हम फिर से आगे चलते हैं और दिखाते भी हैं, मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा जो टेंट की तरह मतलब आप लोगों को गाड़ के रखते हैं। वो भी शायद आप लोगों ने अभी टाइप करा होगा, 1-2 दिन पहले आ चुका है ये अपडेट, और आप लोगों को पहले भी शायद देखने को मिल चुका होगा, क्योंकि मेरी जो वीडियो है यह थोड़ी सी लेट आ रही है। और फ्रेंड्स, और इस वाले अपडेट में जो है एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि मतलब आप लोगों को जो जगह जगह पर बैनर या स्टीकर देखने को मिलते हैं, उसमें भी जो है रमदान के बारे मतलब इवेंट है उसके बारे में बहुत कुछ मतलब अपडेट किया गया है। तो अभी कहीं पर जो पोस्टर पड़ेंगे तो हम आप लोगों को उसको भी दिखाएंगे, और आप लोग उसे पढ़ भी लीजिएगा। तो अभी हम आगे की ओर चलते हैं, और कहीं पर जो बैनर वैनर होगा तो हम उसे भी आप लोगों को दिखाते हैं बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर अभी हम सिटी के ही अंदर हैं, तो यहाँ पर और देख सकते हैं मतलब फिर से एक और वही सेम स्टॉल है, मतलब जो आप लोगों को यह है टपरी टाइप की वो ज़्यादा देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आगे की ओर शायद मुझे एक बैनर दिखाई दे रहा है, तो हम वहीं पर ही अपनी बस को रोकेंगे और जो बैनर है उसके बारे में आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये देख सकते हैं एक सामने आप लोगों को बैनर दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर कुछ जो है रमदान इवेंट के बारे में आप लोगों को दिखाई दिया गया होगा। तो अगर इसमें नहीं दिखाई दिया होगा मतलब सब में ही अधिकतर दे रखा है, तो मैं अभी आगे वाले जो है उसमें दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। और यह अपडेट काफ़ी बढ़िया है, जो कि हर साल आता है, और शायद हर बार थोड़ी ना थोड़ी इसमें मॉडिफाइड या फिर कुछ चेंजेस किए जाते हैं। तो यह आगे एक पोस्टर है, मैं अपनी बस को साइड में पार्क कर देता हूं, और उसके बाद आप लोगों को इसे दिखाता हूं कि इसके मतलब जो पोस्टर में क्या लिखा हुआ है। तो अभी हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं, और ये देख सकते हैं रमदान के बारे में कुछ लिखा हुआ है, रमदान पुष्पा मतलब कुछ मतलब जो इंडोनेशियन लैंग्वेज होती है शायद उसमें ही लिखा हुआ है, और जो उनकी यूट्यूब चैनल और जो इंस्टा आईडी होती है वो भी आप लोगों को दिखाई गई है। और फ्रेंड्स, जो मैं टेंट हाउस की बात कर रहा था, मतलब आप लोगों को जो जगह जगह पर जो झोपड़ी टाइप की देखने के लिए मिलेंगी वो आप लोगों को जो है सिटी के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेंगी, मतलब आप
जो भी कोई लोकेशन सेलेक्ट करेंगे मतलब लॉन्ग रूट आप लोगों को उसके बीच में देखने के लिए मिलेंगे। मतलब आप यह सोचो कि सिटी के अंदर भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाए, तो वो ऐसा नहीं है। तो अभी हम ये इस वाली सिटी से जो है बाहर की ओर जाएंगे, तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं। और आप लोगों को सिटी के अंदर सिर्फ जो छोटी छोटी दुकान होती हैं जो मैंने अभी दिखाई थी आप लोगों को, फ्रूट्स वाली और कपड़े वाली, मतलब बहुत तीन चार प्रकार की, मतलब बहुत सारी दुकान है। मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मतलब वैसे ही दुकान आप लोगों को सेम देखने के लिए मिल जाती हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को यह जो अपडेट है वो कैसा लगता है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बसेट के वो B3.7 अपडेट के बारे में बता दूं कि वो अपडेट आप लोगों को यहाँ तक जो है मई के मंथ में देखने के लिए मिल सकता है। जो कि अभी जो पहले न्यूज़ आई थी कि आप लोगों को 27 मार्च को जो है अपडेट देखने के लिए मिलेगा, वो दरअसल बिल्कुल सी फेक थी, जिसमें कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो सिर्फ एक यूट्यूबर ने कहा था, जो कि ऐसा एकदम क्लियरली नहीं था। जो 3.7 अपडेट आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल अपडेट है, मतलब उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, इसलिए वो बहुत पिछलते जा रहा है। मतलब उसकी जो डेट है वो बहुत ज़्यादा पोस्टपोन करती जा रही है। तो मतलब यहाँ तक हमें लगता है कि जो मई मंथ है हमें उसकी लास्ट डेट तक देखने के लिए मिल सकता है 3.7 अपडेट। जैसे ही मुझे 3.7 अपडेट की कुछ जानकारी मिलेगी तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो फुल डिटेल में ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ आ नहीं रही कि मतलब अभी किस टाइम रिलीज़ होगा। बस अभी इतना पता चला है कि मई के मंथ तक शायद सुनने में आया है कि जो है अपडेट वो रिलीज़ हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं, मैं इसकी बात कर रहा था आप लोगों को टेंट की, जो देख सकते हैं यहाँ सिटी के एकदम आप लोगों को बाहर देखने के लिए मिल रहा है, जो कि ग्रीन कलर का है। तो मैं आप लोगों को उतर के दिखा देता हूँ और बता दूँ कि आप लोग इसके अंदर नहीं जा सकते, आप सिर्फ इसे बाहर से ही देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारी ब्रेंच टेबल मतलब लगा रखे हैं। मतलब सिर्फ शो करा रखा है कि आप इस पर बैठ सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पर कुछ उर्दू लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो कि मुझे आती नहीं, जिसको भी आती हो तो वो तो ज़रूर समझ जाएगा। और यह जो टेंट है आप लोगों को ग्रीन कलर में देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है, और यह शायद पिंक कलर में भी आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी हम जो है सिटी से बाहर की ओर एग्जिट करेंगे और देखते हैं, क्या पता हमें सिटी से बाहर तुरंत ही देखने के लिए मिल जाए। तो ये भी काफ़ी बढ़िया है, मतलब प्लेस थी। तो अभी हम और आगे की ओर चलते हैं, और जो हमारी सेकेंड वाली सिटी है उसके मैप रीलोडिंग आने वाली है और हम दूसरी सिटी में पहुंच जाएंगे, और वहां पर भी देखते हैं कि मतलब इस अपडेट में क्या क्या वहां पर शो कराया गया है या कुछ है या नहीं। तो फ्रेंड्स, हमारी मैप रीलोडिंग आ चुकी है और हम अपने मैप को रीलोड कर लेते हैं, और हम दूसरी साइड आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखने के लिए अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं थोड़ा सा वीडियो को स्किप करता हूँ और आगे की ओर लेके चलता हूँ कि कुछ देखने के लिए मिलता है या नहीं, क्योंकि यह मतलब थोड़ी सी अलग टाइप का एरिया है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर कुछ ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। जब कोई सिटी टाइप एरिया में आएंगे तो हमको कुछ देखने के मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक सिम टेंट हाउस है और यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है, मतलब जो कि काफ़ी बढ़िया देखने में लग रहा है। तो अभी हम यहाँ पर बस को पार्क करते हैं और नीचे उतर कर जो है आप लोगों को इसके अंदर का जो है इंटीरियर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो है एम्बुलेंस या फिर पुलिस की गाड़ी कह सकते हैं, जो भी खड़ी हो, समझ नहीं आ रहा मेरे को, और वो भी सेम टेंट लगा हुआ है आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी सेम वैसे ही बाइक वाले, मतलब काफ़ी बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी थी, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ. Так дать пацанам посчитать потери.